इस खुशी के मौके पे बड़ी दावत बन रही है, वीआईपी किस्म की पकाया जा रहा है यहाँ पे, वो कुछ भी और हाँ, उसके उसके चार व्हील पे, उसके नीचे पहिए चार, उसके नीचे पहिए चार, हाँ चाबी से चलती है। ये हमारा घर जो आप देख रहे हैं ना, ये बुनियादे, ये हमारा वही जो मिस्त्री नाराज हो गया उसने बनाई थी, उसी ने बनाई थी ना, ये सारे घर हमारे ना उसी के हाथ के बने हुए हैं। सब सरप्राइज, चार पे हटाओ जरा पीछे, हाँ ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अनी व्लॉग, कैसे हैं जी? आई होप हम सब लोग ठीक ठाक, घरों में खुशबाश, हंसते बसते मुस्कुराते, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। भाई सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मिस्त्री से तो जान छूट गई है भाई जी। कल व्लॉग इसलिए नहीं बना सके थे कि कोशिश की थी कि जितना हो सके ना तो छोटे छोटे आइटम रहती थी घर की ना, वो वाली काम हो जाए मिस्त्री से ना, मतलब बस हो गई थी हमारी। तो खैर हमने तकरीबन शाम हो गई थी, मगरिब की अजान के बाद तक मिस्त्री यहाँ पे रहा था, और खैर फाइनली हमने काम सारा वाइंड अप कर दिया था। थोड़ा सा एक रह गया था, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये एक धार रह गई थी ये वाली, बस ये भी किसी दिन या आज आएगा, उसने कुछ हिसाब किताब करना है तो वो आएगा, तो वो ये वाली भी हो जाएगी तकरीबन, बाकी हमारा सारा काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे मुश्किल ये था कि मैं मिस्त्री से किस तरह बंदा जान छुड़ाए, तो ये हो चुका सारा। और मेन चीज़ ये विंडो निकाल दी थी हमने, ये वाला पहले तो मैं आपको ना वीडियो देखे ना कि मैंने ये जो है ना आधी रात तक हमें लगा रहा था इस विंडो को निकालने में, खैर इसको अभी वाश वुश भी करते हैं, पहले वो रात वाली वीडियो देखें जो बेगम ने बनाई थी। हाँ जी, अब मैं आपको बताती हूँ, शोर असल में कम हो गया है, ये विंडो अब टूट रही है, ये वाला हिस्सा ये बिल्कुल फर्श के साथ में रहेगा, फिर यहाँ पे डोर लगना है, और पता नहीं मेरे ख्याल में एक जितनी लंबाई है इस डोर की और इसकी, तो ये है, तो यहाँ पे वो लग जाएगा जीन, मट्टी वाला जीन, मट्टी वाला जीन मैंने खुद किया यार मिस्त्री के, मैंने कहा ये मिस्त्री को बुखार सा था, हाँ हाँ, मैंने कहा मैं इसकी हेल्प ही करूँगा। चलो हमने वही कहा, हम बाहर वालों को रोते हैं, इधर घर वाले भी शुरू हो गए हैं, घर को दरहम बरहम करके रख दिया, बाकी का जो रास आया वो भी कसर पूरी कर दी है। तो जी ये अंजाम होता है कभी जब पैसे नहीं होते तो ऐसे घर होता है, जब थोड़े से पैसे आते हैं तो उसको सेट करने में फिर दोबारा से काम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है ना। लेकिन फिर ये था कि ज़रूरी हो गया था, फैमिली जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके हिसाब से, और माशाल्लाह से अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो साथ साथ टाइम मतलब उनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम ना कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा स्पेस हो जाए घर में, ताकि वो आराम से खेले कूदे, तो ये जगह कट हो जाएगी, यहाँ से फिर रास्ता होगा वाशरूम का। तो माशाल्लाह से तकरीबन छत वाला काम काफ़ी कंप्लीट हो गया है, और वो भी आपको दिखाते हैं। और आज मैंने खाना बना लिया था, अभी तसव्वुर को लगेगी भूख। ये क्या कर रहे हो इस पाइप को जोड़ के दे रहे हो? ये बनाना था साकट, इसमें फंस जाएगा ये। अच्छा, एक फोटो तो इसमें खींच के रखो। ऊपर चलते हैं, आप लोगों को ऊपर वाला काम दिखाते हैं, असल में देखना मैंने खुद, मैंने कहा चले आप लोगों को भी लेके चलते हैं, कोई उस पर तबसरा वगैरह करते हैं। उससे पहले शुरू हुआ था ये, अच्छा ये कलर है, मुझे ऐसे लगा भी नहीं हुआ इस बाथरूम का, ये ऐसे लगी है,
अंदर नहीं जा सकती, फर्श अभी लगा है। बस ठीक है, हाँ बस मतलब यहाँ के लिहाज से, ऊपर के लिहाज से ना, तो यहाँ पे कहाँ पे लगना है वॉश बेसन, यहाँ मेरे ख्याल में बाहर, या अंदर, बस ठीक है सही है लग गया। वैसे जो वो पहले वाला लड़का है ना वो बहुत अच्छा काम करता है जो नीचे करके गया है। तो ये हो गया रूम, अभी सेम उसी तरह उसी कंडीशन में पड़ा है। यहाँ पे तो सवर का ये बेड, और अब चलते हैं नीचे। ये क्या कर दिया मेरा, मैंने इतने देखो हमने कैसे वो अपनी सैलरी जमा कर करके ये घर बनाया था, आपने तोड़ दिया। तब जब हमने बनाया था हमने कहा था हम दो के लिए ये बहुत है, फिर हमारे दो हमारे पास पैसे नहीं थे ना, हम तब यही कहते थे हम कहते एक यार बहुत है, हाँ बहुत है, हमने ये बना लिया बहुत है। जब हमारे पास पैसे नहीं थे मैं कहती थी मेरे शौहर का साथ ही मेरे लिए बहुत है, हाँ, फिर हमने कहा ये, फिर इनके पास थोड़े से पैसे आए इन्होंने कहा हमें एक कमरा बहुत है, हाँ, फिर एक कमरे में हमारे सैलाब आ गया, हाँ, फिर हमने कहा नहीं एक छोटा सा घर होना चाहिए, हाँ, थोड़े से ज्यादा पैसे आए तो फिर हमने घर बनाया। तो उसके बाद हमने कहा हमें बहुत है, अब हमने पूरी जिंदगी इस घर पे कुछ नहीं लगाना, हाँ। तो उसके बाद हमारे पास थोड़े से और पैसे आ गए, उसके बाद हमने वो वाला घर तोड़ दिया। देखो उस कितने अरमानों से बनाया था हमने, हैं आज फिर पैसे आए हैं ना, हमने कहा चल इसको और तोड़ देते हैं। ये देखें ये क्या हालत करके खड़े, पड़ी है विंडो उधर, ये सारा तोड़ दिया, ये भी टूट गया। तो और इमोशनल होके मारो, मैं आपको कह भी रही थी तोड़ दोगे। अच्छा पीस पड़ा है उधर से वो कट करके लगा देना, ये इसको ग्राइंडर से काटो ईंट को। इतना उठा ना आपने, ये बराबर है? नहीं नहीं बस ठीक है, ज्यादा ना नुकसान करो कोई, ये इसके बराबर लगा देंगे, क्या ख्याल है? हाँ बस ठीक है बहुत है, हाँ बहुत है ऐसे ही ना, हाँ ठीक है। उधर वाला भी तोड़ दिया हम लोग, फिर खोल के कट गया ना, छोटा पीस हो गया। ना मारो, ये हमारा घर जो आप देख रहे हैं ना ये बुनियादें, ये हमारा वही जो मिस्त्री नाराज हो गया उसी ने बनाई थी, उसी ने बनाई थी ना, ये सारे घर हमारे ना उसी के हाथ के बने हुए हैं। सुनो पहले इस कमरे के साथ बड़ी ज्यादती हो चुकी है, बाकी का इसको आप गिरा लो, है और क्या, ऊपर का की छले के दीवारों में मोरे, छत में मोरे, हर जगह पे इसको मोरे मोरे हो गए, हाँ। ये कमरा कहता होगा इन्होंने जब मुझे यूज नहीं किया तो नहीं किया। खैर ये वीडियो आप लोगों ने देख ली, वैसे भी ये रात को मैंने मुश्किल से निकली थी, कल थक हार गए थे वीडियो नहीं बना सके, इस वजह से यार ये काम ख़त्म करें, ये काम ख़त्म करें। और अभी जो सरप्राइज वाली चीज़ है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ऐसे फील होगी कि ये हमने पहले प्लानिंग में रखी थी, तो वो वाली चीज़ अभी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको उठा के ले जाते हैं वहाँ पर रखते हैं, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये बड़ा खराब हुआ पड़ा था, इसको प्रेशर मार के साफ करके रखते हैं। मिस्त्री को मैंने कहा था यार ये वाली विंडो ना हमें यहाँ पे लगा के दे, इस वाले हिस्से में ये वाला यहाँ पे लग जाएगी ना तो इधर से बंद हो जाएगा, चूंकि ये हिस्सा खुला है, ये हिस्सा खुला है तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती है। ये दरवाजा हम घर बंद रखते हैं, इसका तो हमें प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन पहले हम इसको उठा के ले जाते हैं वहाँ घास पे रखते हैं, थोड़ा सा प्रेशर से मार के इसको धोशो देते हैं। और एल्यूमिनियम वाले को मैं दोबारा से फोन करता हूँ, यार कहता हूँ यार आके हम ये विंडो तो कम से कम लगा के दे जा, अगर ये लगा के दे जा तो यहाँ से हमें बचत हो जाएगी कीड़े मकोड़ों से ना, बाकी आप नहीं उठा सकोगी, इतनी बहादुरी ना दिखाओ। मैं इसको पहले कब से ये नीचे वाले निकालता हूँ, ये अंदर वाले शीशे स्ट्रक्चर अलग करते हैं, वो अलग करते हैं,
फिर ही आप हम अच्छी तरह धो सकेंगे, सही नहीं? हाँ, मैं इसको निकालता हूँ। अभी ये अलग हो रहे हैं तो ये सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे ना, तो वॉश करने में आसानी होगी, साफ सफाई करने में। ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, और वो लेके जा रहे हैं सवर। ये देखें, कपड़े चेंज करके आओ, तोड़ोगे बड़ा कचरा निकला। काम होता रहा है ना इधर। वो मेंढक फंसा हुआ निकला, यहाँ बहुत कुछ निकला है। अभी ये वॉश कर रहे हैं तो सवर, अभी ये वॉश करने लगे और ये देखेंगे सारा कचरा इसमें से निकल जाएगा। ये भी बड़ी साइड भी, ये तीनों जो इसकी छोटी अलमारियां ना, ये भी साफ कर लेते हैं। पहले ये वाली कर लो ऊपर वाले की। यहाँ पर भाई साहब इसको ब्रश के साथ ना हम अच्छी तरह सफाई कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट बजरी सारा काम इधर ही होता रहा है ना, बड़े गंदे गंदे दाग पड़ चुके हैं। और यहाँ पे ना इसको भी कुछ धोते, ये सबसे ज़्यादा गंदी थी, इसको भी और भी करने वाला, इसके अंदर अभी भी सीमेंट फंसा हुआ है, ये इसके अंदर भी ब्रश मारने वाला, ये जाली है। तो खैर इसको करते हैं ठीक ठाक करके ना साफ। मिस्त्री को मैंने फ़ोन तो किया हुआ, कह रखा था कि मैं आज आऊँगा आपको लगा के दूँगा, लेकिन बस अब जब आप मिस्त्री को पैसे दे दो एक दफ़ा, मजाल है वो टस से मस हो जाए। पता नहीं इनकी ना कोई जहनीत कोई ऐसी होती है ना, क्या बंदा कहे। तो उसको भी पैसे दिए, पैसे ना दो तो काम नहीं करते हैं, कि दे दो तो फंस जाते हैं। हम भी फंसे खड़े हैं अभी दे के पैसे, हाँ पैसे ले के फिर भी नहीं करते, यही सीन है। खैर जी मैं अभी हम इनको साफ अच्छी तरह कर लेते हैं, फिर आपको ना जो असल सरप्राइज है ना वो दिखाना है कि हमने जो मेहनत मशक्कत से काम किया था। क्या सर्फ लगा रही हो? सर्फ से कहाँ साफ होना है, ब्रश के ऊपर लगाओ फिर होगा। हमें कुछ नहीं पता। चलो जी ब्रश से साफ हो रहा है, सर्फ से साफ हो रहा है जी। विंडोज तो हमने धो दिए, ये भी, ये वाइट वाइट उतारने की बड़ी कोशिश की है लेकिन नहीं उतरा जाली से, लेकिन ये खैर वाश हो गई है, वो भी इसका जो फ्रेम है वो भी वाश हो गया है। सब सरप्राइज, चार पे हटाओ जरा पीछे, हाँ ये देखें जी, ये हमारा अटैच, ये अभी तो मक्खियाँ आ रही हैं, असल में खुला है ना इधर से, नहीं तो मक्खियों की पाबंदी तो करनी पड़ेगी, ऐसे ये बंद हो जाएगा ना। जरूरत पड़ती है वो यहां से सीधा अटैच वॉशरूम यूज कर सकते हैं। ये वाला, यैसे अब समझ लगी, लॉन्ड्री यूज करनी है तो मैं इधर से आके यूज कर, अब लॉन्ड्री मतलब ये अलग से हो गया और ये हमारा दरवाजा फाइनल हो गया, सही लग रहा है कि यहां पे विंडो थी। तो ये भाई सब सरप्राइज था, और अभी ये दीवारें शिवारें साफ करनी है, फिर रंग शंग भी करना है, तो ये रंग शंग हो जाएंगी ना एकदम से चकाट से, ज़बरदस्त सीन बन जाएगा। इधर से हमारा इस कला सीन है और उधर से हमारा बैर का व्यू है, ये देखें अब आगे समझ। और ये हमारा अटैच वॉशरूम बन गया, ओके। और मैं क्या कहती हूं भला, ये इस वाली जो टाइल्स बच गई हैं, ये यहां लगवा लो। कौन सी? यहां ये दो तीन बची हैं, ये कहीं भी पूरी नहीं आती। यहां नहीं, नहीं पूरी नहीं आती। कितनी बची है? तीन चार हैं। ये ऊपर वाले की छोटी थी? हाँ ऊपर वाले की छोटी है। मजा? ये बड़ी है, वो फलक अलग अलग चीज होती है अलग अलग। ये महंगे वाली है, वो सस्ते वाली थी, ऊपर वाली लग रही थी। हाँ वो सस्ती थी। चलो जी बस ये तो हमारा सरप्राइज था, ये फाइनल हो गया। अब भाई इसकी फीलिंग करनी, मिस्त्री ने भी आना है। मिस्त्री को मैंने कल 10,000 दे दिया था, टोटल मेरे ख्याल में उसके पास 26,000 आ चुका है, जिसने ये ऊपर वाला वॉशरूम और टाइल्स लगाई है। तो अभी उसका हिसाब करना, चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी रात को, तो वो फिर ना उससे बात नहीं हो पाई थी,
लंबी देर से, वो भी फिर काम करके चला गया था। उठ बेगम, तेरी छत भी खा के हम, हमारी छत भी फाइनल हो गई है। और मिस्त्री जिसने काम किया ना, उसको मैंने कोई 32-33 हज़ार दे दिया। और अभी मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि मैंने यार आके अपने हिसाब किताब कर ले, फिर ये ना कहना कि भाई मैं कोई ऊपर नीचे, तो वो कह रहा है आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मैं आऊँगा, काम पर लगा हुआ। तो वो जो आता है ना कोई उसके साथ हिसाब किताब, कोई 2-3 हज़ार का ऊपर नीचे लग रहा है मुझे ना हिसाब, उसके बनते हैं या 1500 मेरा बनता है, मतलब 33-1 हज़ार मैं उसको दे चुका हूँ। अच्छा। और बाकी के रहते हैं। और ये देखें जी, अभी ये टाइलें भी बची पड़ी हैं, 5 ये पड़ी हैं। तो ये लगवा देनी थी यहाँ पे, जहाँ वाश बेसन लगने है। वाश बेसन अंदर लगना है, अंदर लगना। हाँ, वाश बेसन का मैंने अंदर, आपने खुद ही कहा था। हाँ, अंदर ही आपने कहा था लगवाना है। अभी मिट्टी वाले ने चढ़ना भी, इसकी फीलिंग करनी है। ये भाई साहब, ये जी नहीं। इस साइड पे, हाँ ठीक है, ये इस साइड पे, यहाँ पे ये सीट बहुत बड़ी बना दी इन्होंने। खैर क्या करना, हमारे पास इतनी जगह पड़ी है नहाने धोने के लिए, हमने कोई ऊपर नहाने धोने थोड़ी आना है, कभी मजबूरी में बंदा नहा धो लेता। बस फिर लाइन पूरी थी ना, वो और कलर था, फिर ये शेड खराब होता था, मतलब ये वाला कलर और है। हाँ, ये एक टाइल कम पड़ गई थी ये वाली, फिर हमने क्यों था यार, ये नीचे वाली हमारी बस बची है फर्श वाली, बाकी की नहीं बची, वो भी 5 बची है, वो 5 पूरी नहीं आती, एक चक्कर पूरा नहीं आता। अच्छा। या तो चक्कर पूरा आ जाए तो फिर तो है, पूरा नहीं आता। खैर इसकी ना थोड़ी सी सफाई करनी है इसकी, और ये तो पड़ी है फीलिंग, इसकी फीलिंग भी करनी है। आइए समझ लो जी, ये हमारा पैसा हो गया पूरा, और मैं ना फीलिंग इसकी कार ही लूँ। हाँ, मैं खुद करूँ, उसने तो नहीं आना, और नहीं आना उसने, अब आपसे तो बंदा कोई बात कर ले चट्टी आपको पड़ जाती है। कैसी लोग हो तुम, इतना तंग करते हैं ना, जब जरा सा काम करना होता है ये इतना खिलारा कर देते हैं ना। जा यार, जा 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 जा, फीलिंग करनी कौन सा उसमें भाई, अल्लाह खैर करे, क्या करना, कुछ भी नहीं करना, मैं ये कर लेता हूँ एक मिनट में। हाँ, शौक नहीं है वो करना, मट्टी घुस की दराजों में ना, वो दरसे जो है तो फिर मट्टी घुस की, फिर वो फंस जानी मट्टी, फिर ऊपर फीलिंग आनी भी कोई नहीं। ये ऊंचा क्यों है, कौन सा, ये फटी, ये थोड़ी सी ना मैंने ऊपर रखाई थी, ये आपने नहीं लगानी तो इसको मैं काट देता हूँ, मुझे तो कोई नहीं, मैंने ये हल्की सी ऊपर रखाई थी कि पानी ना बाहर आए। इतना उछल उछल के किसी ने नहाने इसमें, फिर भी होता है भाई पानी शानी का, मैंने इसलिए रोका था, इसको लगा दी हल्की, आधी आधी इंच ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किनारे सी है। हाँ, सही है, देखो टाइलें पड़ी है। हाँ, ये वाली हमारा डिजाइन भी कम हो गया था, और ये हमने एक और जो नीचे वाला वाशरूम था ना उसकी बची पड़ी थी, उसकी यहाँ पे काट काट लगाई है, इसका डिजाइन पूरा किया। अच्छा, यानी ये भी हमारी कम पड़ गई थी, असल में 2 टूट गई थी, वो जो मजदूर नया आया ना, नया मजदूर रख के तोड़ दी। ये ऊपर वाली में तो की हुई है फिलिंग। हाँ, ये ऊपर वाली हुई है, सिर्फ ये नीचे वाली रहती है। इसको झाड़ू लगा के ना वो ले आना, झाड़ू शाड़ू यहाँ पड़ा होगा। हाँ, देते हैं। कहते हैं वीडियो मेरी ना बनाना, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, शर्म आती है झाड़ू लगाते हुए? यार मुझे नहीं शर्म आती, अच्छे लग रहे हो वैसे, प्यारे लग रहे हो। कपड़ा देना कोई, इतना सारा बना के बैठ गए हो, खाना था आपने, मैंने कहा था ना प्लाजे पे नहीं लगाना आपने, छोटा सा वॉशरूम में ये ना, इसमें इन्होंने सीमेंट इतनी सारी शामिल कर दी, उसका कलर भी खराब कर दिया। अब लगाना शुरू कर रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। खबर अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, और शेरी मुझे कुछ सुनाने लगा, जल्दी जल्दी सुनाओ। हाँ, मोटर कार, उसके उसके चार व्हील पे, उसके नीचे पहिए चार, उसके नीचे पहिए चार, हाँ चाबी से चलती है, हाँ पू 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 करती है आगे, आगे जाए, आगे आगे जाए, पीछे जाए,
मुड़ जाए। हाँ अब ये वाला सुनाओ ना जो कल पढ़ी थी आपने, इसने कल ये वाली पढ़ी थी। हाँ चंदा मामू दूर के बड़े बकाए भूर के अब खाई ताली में बुने को पाली में। हाँ आगे पाली गई चूट बुने गया रूट और पाली लाएंगे बुने को बनाएंगे। वेरी गुड शाबाश। ये दादी अम्मा कहती है चांद चांद में परिया रहती है जब बच्चे सो जाते खाम में खो जाते परिया फिर आ जाती है फिर आगे आगे परिया नीचे आती हैं। परिया नीचे आती है अपने पर फैलाती हैं अपने पर फैलाती है काट के बिस्तर के चक्कर मीठे गीत सुनाती है। ये शायरी हमें पोएम सुना रहा है और तो सवर पता नहीं इधर क्या कर रहे हैं। मैं आपको इधर रूम से अब तो आसान है रास्ता भी हमारे लिए ना, यूं जाएंगे और ये यूं जाएंगे और ये यूं फिरते हैं। है चलो बस करो अब और क्या, मगरिब हो गई अब बस करो। असर के टाइम से हमने शुरू किया काम। अभी बर्तन धो रहा हूं मैं। सब इस खुशी के मौके पे बड़ी दावत बन रही है वीआईपी किस्म की। यहाँ पे पानी छानी उबाल के यहाँ पे गोश्त ही पकाया जा रहा है, यहाँ पे वो कुछ भी हो रहा है और भी बहुत कुछ बनेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे इतनी बड़ी दावत किस खुशी में हो रही है। लेकिन ये बड़ी दावत बन के घर से मिस्त्री जाए तो यूँ समझे कि बड़ी दावत का तो बनता ही बनता है ना, तो बड़ी दावत का इंतजाम किया जाए। तो ये कुछ बच्चों के लिए कुछ हमारे लिए वीआईपी खाना तैयार हो रहा है कुछ बड़े बच्चों के लिए। सबके बच्चे जो है आप भी तो बच्चे हो ऐसे ही है ऐसे ही है। आप किसके बच्चे हो, आप अपने मम्मी अब्बू के बच्चे नहीं हो। हाँ बच्चे। खैर इसी के साथ आप लोगों से लेते इजाजत इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो मुलाकातों की दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। हाँ हमारा एल्युमिनियम वाला मिस्त्री अभी आ रहा है, फ़ोन किया है, वो रात को हमारी विंडो सेट करके देगा वो परले वाले साइड। तो वो कह रहा था मैं नहीं आ रहा, बस फिर कल छुट्टी है उसकी, तो वो कह रहा था चलो मैं आपको करके देता हूँ। चलो मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।